लाइफ, मैं हूँ वर्षा। एज मॉनसून सीजन चल रहा है, बारिश में सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, स्किन पे और हमारे स्कैल्प में। स्किन पे बहुत ज्यादा चिपचिपी हो जाती है, स्कैल्प पे बहुत ज्यादा चिपचिपी हो जाती है, और उससे होता क्या है, बाल बहुत ज्यादा झड़ने शुरू हो जाते हैं। और ये उन लोगों को प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फेस होती है जिनकी स्कैल्प ऑलरेडी थोड़ी सी ऑयली हो, या फिर जिनको स्कैल्प में स्वेटिंग ज्यादा हो। तो बालों का झड़ने का जो प्रॉब्लम है इस मौसम में, वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू, वो है ये नेचर श्योर का हेयर ग्रोथ ऑयल। ये काफी अच्छा, काफी इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट में जो मेन इसकी बात है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं वो बहुत ही बढ़िया है। वो है नील भृंग आदि, भृंगराज, साथ में है धतूरा, तिल और त्रिफला। ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे कि ये हेयर ग्रोथ ऑयल बना हुआ है। और ये बहुत ज्यादा इसकी आप कहें कि वाइल्ड इसकी स्मेल है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही बढ़िया है, काफी इकोनॉमिकल है। और ये करता क्या है, ये आपके बालों की ग्रोथ करता है, आपकी जो अगर आपको गंजेपन की प्रॉब्लम है, ये बाल बहुत झड़ रही हैं, उसको रिड्यूस करता है, डैंड्रफ को खत्म करता है, सर में किसी की जुए हैं अगर तो उसको ठीक करता है, प्रीमेच्योर ग्रेन से भी आपको छुटकारा दिलाता है, स्प्रेटेंस अगर आपके हैं उनको ठीक करता है। और ये आपके बालों में यूवी रेस की वजह से कुछ हार्म हो गया है, बाल बस रूखे सूखे बेजान हो गए हैं, तो ये उसको ठीक करता है। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रोडक्ट का एक क्विक रिव्यू, और बाद में आपको इसके साथ डेमो भी शेयर करूंगी। चलिए देख लेते हैं इसकी क्विक अनबॉक्सिंग। ये है नेचर श्योर का हेयर ग्रोथ ऑयल, और यहाँ क्लियरली मेंशन है कि ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर लॉस को स्टॉप करता है, और कहीं अगर आपको गंजेपन की प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है, डैंड्रफ कंट्रोल करता है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग से छुटकारा दिलाता है, और आपके स्प्लिटेंट्स को भी ठीक करता है। इसका जो MRP दिया गया है वो दिया गया है 339 रुपीज। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है भृंगराज, नील बृंदी, मनमोहिनी, त्रिफला और इसी के काफी सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स इसमें हैं। और इसमें अगर हम बात करें कि ये एग्जैक्टली करता क्या है, तो ये बहुत सारी एक लंबी लिस्ट दी गई है कि इसमें हेयर ग्रोथ ऑयल जो है ये पावर हाउस है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, विटामिन ई का, कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड फास्फोरस का, और ये बहुत सारी हर्ब्स का एक ब्लेंड है, और ये सारी चीजों का मिक्सचर है जिससे कि ये इतना बढ़िया ऑयल बना हुआ है। अब देखिए ये इस तरह की बॉटल में आता है, काफी अच्छी ट्रैवल फ्रेंडली बॉटल है, और आप देख सकते हैं कि ऊपर से इतना खत्म हो चुका है, दैट मींस मैं इसको यूज कर रही हूं। और क्योंकि ये सीजन ऐसा है कि जिसमें हमें हेयर फॉल काफी होता है, बट मैंने जब से इसे यूज करना शुरू किया है मेरे हेयर फॉल में काफी ज्यादा फर्क आ गया है। और आप ये देख सकते हैं कि आपको खुद को दिख रहा होगा कि मैंने कितना अच्छे से इसे कंज्यूम कर लिया है। ये इस तरह का लाइट से ग्रीन कलर में आता है, काफी अच्छा है, नॉन स्टिकी, नॉन ग्रीसी ऑयल है, काफी अच्छे से हेयर पे ब्लेंड हो जाता है, और इसकी स्मेल भी बहुत ज्यादा हार्श नहीं है, बहुत ही ज्यादा माइल्ड है। और इसका आप देख सकते हैं कि ये काफी सर्टिफाइड अच्छा प्रोडक्ट है। तो चलिए अब मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। नॉर्मली जिस तरह से हम सभी हेयर ऑयल लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको अपने चाहे तो आप हैंड में लीजिए, चाहे तो आप एक कटोरी में ले लीजिए, आप चाहे तो थोड़ा सा इसको वॉर्म भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसको अपने बालों की जड़ों में बहुत अच्छे से लगाएंगे, जड़ों से लेके टिप तक आपको इसको लगाना है। और ऐसा करने से ही हमारे बालों में जो ग्रोथ है वो प्रमोट होता है। बहुत अच्छे से आपको अपने पूरे सिर के जड़ों में इसको लगा देना है, और इसकी अच्छे से आपको चंपी करनी है। 5 से 7 मिनट तक आप बहुत अच्छे से मसाज करें। आप कोई भी जब भी हेयर ऑयल लगाते हैं तो उसको बहुत अच्छे से हम मसाज जरूर करनी चाहिए, अपने फिंगर पोर्स के साथ आप उसको मसाज करें, और ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हेयर रूट्स, हेयर फॉलिकल्स इंप्रूव होते हैं जिससे कि ग्रोथ बढ़ती है। और आप इसको ओवरनाइट लगे रहने दें, एकदम से लगा के एकदम से हमें कभी भी शैम्पू नहीं करना चाहिए, आप ओवरनाइट ऑयल को लगे रहने दें जिससे कि उसके जितने बेनिफिट्स है वो आपकी स्कैल्प को, आपके हेयर को अच्छे से मिल जाएं। और ये देखिए मैंने अच्छे से इसे लगा लिया है। टिप्स को बिल्कुल आपको भूलना नहीं है क्योंकि ये स्प्लिटेंट्स को भी ठीक करता है, तो आप इसको टिप्स में भी अच्छे से लगाएं। और अब करनी है अच्छे से आपको इसकी मालिश, बहुत अच्छे से आप मालिश करें 1 से 2 मिनट तक, जिससे कि ब्लड फ्लो अच्छा होता है स्कैल्प में।
बस अब आप एक बन बना लीजिए और इसको ओवरनाइट के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिए। आपको आज ये प्रोडक्ट का रिव्यू आई होप जरूर पसंद आया होगा। आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसके परचेज लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से ले सकते हैं। और अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बता सकते हैं। मैं आपके साथ जो भी प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करती हूँ वो ट्राइड एंड टेस्टेड होता है। आपने देख ही लिया है कि बॉटल ऊपर से कितना एम्प्टी हो चुका है, दैट मीन्स मैंने यूज किया है इसको। तो फिर भी आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं, मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको जरूर प्रेस कीजिए विद बेल आइकन। मैं मिलती रहती हूँ आपसे एवरी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे संडे सुबह 11 बजे। तो चलिए फिर मिलूंगी, बाय बाय।